कफ दोष डाइट प्लान इन हिंदी, बैलेंस कफ दोष विद डाइट, कफ दोष डाइट प्लान फॉर वेट लॉस। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू डाइट बर्ब, वेयर वी टॉक अबाउट फूड 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 एंड यस फूड दैट हेल्प्स यू इन लूजिंग वेट एंड बिकमिंग हेल्दी। मेरा नाम पायल है और मैं एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन हूँ। आयुर्वेद के मुताबिक यूं तो हर ह्यूमन बॉडी में वात, कफ और पित्त तीनों मौजूद होते हैं, पर प्रॉब्लम तब होनी शुरू होती है जब इनका बैलेंस आपस में बिगड़ जाता है। तो आज इस वीडियो में हम वही देखेंगे कि अगर आपकी कफ प्रकृति है और इसके कारण आपको कई बीमारियां हैं या आपके शरीर में कफ इम्बैलेंस हो गया है, तो इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। चलिए पहले एक नजर डालते हैं कफ प्रकृति के लोगों पर, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, आपको कैसे मालूम पड़े कि आप कफ प्रकृति के हैं या नहीं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कफ प्रकृति इंडिविजुअल। कफ प्रकृति के लोग जल और पृथ्वी यानी कि वाटर एंड अर्थ एलिमेंट डोमिनेंट होते हैं। इसी कारण से ये हैवी बिल्ट यानी कि भारी शरीर के होते हैं। इनमें जल्दी वजन बढ़ जाता है, इसीलिए वजन का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। इन्हें खाना बेहद पसंद होता है, ये काफी फूडी होते हैं। जनरली इनके बाल यानी हेयर सॉफ्ट होते हैं और शाइनी भी, पर स्किन इजिली व्रिंकल हो जाती है। इनका एंड्यूरेंस, स्टैमिना, टॉलरेंस, कैपेसिटी यानी कि फिजिकल स्ट्रेंथ इनकी काफी अच्छी होती है। ये फोकस्ड होते हैं पर एक्शन लेने में आलस कर जाते हैं। इन्हें आलस और नींद बहुत आती है। कफ का काम होता है आपके बॉडी में फिजिकल और मेंटल बैलेंस बनाए रखना। जब कफ इम्बैलेंस हो जाता है तो उस व्यक्ति में फिजिकल यानी कि शारीरिक कमजोरी, आलस और मेंटल इम्बैलेंस यानी कि बोरियत, खालीपन और कुछ ना करने का मन जैसी फीलिंग्स आने लगती हैं। आइए एक नजर देखते हैं सिम्टम्स ऑफ कफा इम्बैलेंस। कैसे पता करें कि आपके शरीर में कफ दोषा हुआ है? अगर आपको हर पल आलस आए, ज्यादा नींद आए, आप डिप्रेस्ड फील करें, यानी कि आपका कफ दोष इम्बैलेंस हो सकता है। इमोशनली और स्पिरिचुअली अकेलापन अगर आपको महसूस हो, या फिर लंग्स रिलेटेड इन्फेक्शन होने के चांसेस लगे, या बार बार लंग्स के इन्फेक्शन हो रहे हों, तो ये कफ इम्बैलेंस का सिम्टम हो सकता है। आपको फूड्स की क्रेविंग हो पर बिना खाए ही पेट भरा भरा सा लगने लगे, या फिर डाइजेशन स्लो हो जाए और कॉन्स्टिपेशन भी हो जाए, तो समझ जाइए कि आपको कफ इम्बैलेंस है। एक्सरसाइज, वर्कआउट या कोई भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में अगर आपका इंटरेस्ट खत्म सा होने लगे, तो ये भी एक सिम्टम है कफ दोषा इम्बैलेंस का। इन सभी कारणों से वजन तो बढ़ता ही है, पर अगर इसका ट्रीटमेंट जल्दी ना किया जाए तो आपके बाकी दोषों का भी इम्बैलेंस आपके शरीर में हो सकता है। अगर आपको भी ये सिम्टम्स अपने शरीर में महसूस हो रहे हैं, तो डबल श्योर होने के लिए आप ये छोटा सा टेस्ट लीजिए जो हमारे इस वीडियो में मौजूद है। इस टेस्ट से आपको अपनी प्रकृति और दोषा पहचानने में मदद मिलेगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मेंशन कर दिया है। चलिए अब देखते हैं कफ दोषा को बैलेंस कैसे किया जाए। टिप्स टू बैलेंस कफ दोषा। सिंपल तरीके से अगर कहूँ तो सही खाना खाना चाहिए, रेगुलर वॉकिंग या कोई भी वर्कआउट करना चाहिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली से मिलते रहना चाहिए, सोशली एक्टिव होना चाहिए, गर्म कपड़े पहनिए और खाने में ठंडी चीजों को अवॉइड करिए ताकि लंग्स के इन्फेक्शन ना हो। अगर थोड़ी भी सर्दी या गले में खिचखिच हो रही हो तो स्टीम लेते रहिए ताकि आपके लंग्स हेल्दी रहें। अगली टिप है कि चूज योर फूड ऑन बेसिस ऑफ टेस्ट। जैसा कि हम पिछले कुछ वीडियोस में देख चुके हैं, आयुर्वेदा में खाने को उसके प्रोटीन्स या कार्ब्स या न्यूट्रिशन के तौर पे कैटेगराइज नहीं करते, बल्कि षडरस यानी कि टेस्ट के तौर पे कैटेगराइज करते हैं। कफ दोषा बैलेंस के लिए आपको कटु यानी कड़वा, तिक्त यानी तीखा और कषाय यानी कि कसैला टेस्ट वाली चीजों को अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। इन चीजों की डिटेल्स हमने आगे मेंशन करी हैं, और जो टेस्ट आपको अवॉइड करने हैं वो है मीठा, खट्टा और खारा। ये टेस्ट कफ दोषा को बढ़ाते हैं। आयुर्वेदिक वैद्य कफ दोषा को बैलेंस करने के लिए त्रिकटु चूर्ण प्रिस्क्राइब करते हैं। ये चूर्ण सौंठ यानी कि ड्राइड जिंजर पाउडर, पीपली और काली मिर्च को मिलाकर बनाते हैं। आप चाहें तो इन पाउडर्स का मिश्रण 1 ग्राम जितनी क्वांटिटी में हर रोज ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं लिस्ट ऑफ फूड्स टू ईट इन कफ दोषा इम्बैलेंस। सीरियल्स में आपको जौ यानी कि बार्ली, होल व्हीट फ्लावर, ओट्स, किन्वा और कम मात्रा में राइस का सेवन करना चाहिए। जौ के आटे की बनी रोटी आपके लिए सबसे अच्छी है।
नेक्स्ट फूड ग्रुप है लेग्यूम्स, नट्स एंड सीड्स का। कफ दोषा में लंग इन्फेक्शंस काफी कॉमन होते हैं, इसीलिए लंग्स की इम्यूनिटी के लिए अच्छे अमाउंट में प्रोटीन खाना जरूरी है। आपको डाइट में तरह तरह की दाल चना लेना चाहिए। रोस्टेड चना खासकर बहुत फायदेमंद है। नट्स में आप भिगोए हुए बादाम, वॉलनट्स ले सकते हैं। इसके अलावा कसैला टेस्ट होने के कारण आप चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और सोक्ड मेथी सीड्स ले सकते हैं। अगला फूड ग्रुप है डेयरी प्रोडक्ट्स। आप दिन के फर्स्ट हाफ में बॉइल्ड मिल्क एंड कुक्ड मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। लंच टाइम के बाद आप इन्हें अवॉइड करें तो बेटर है। नॉनवेज फूड में आप रेड मीट कम्प्लीटली अवॉइड करिए और कभी कभार कम क्वांटिटी में एग वाइट्स या फिश ले सकते हैं। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की बात करें, हर तरह की हरी सब्जी और कलरफुल सब्जियां आपके खाने में इंक्लूड करिए। सिर्फ खट्टे फल जैसे कि पाइनएप्पल, मौसम्बी, लेमन एक्सेट्रा आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट पॉइंट है हनी। आयुर्वेद के हिसाब से शहद कफ दोषा इम्बैलेंस ठीक करने में बहुत मदद करता है, पर याद रखें शहद को गर्म पानी या कोई भी गर्म चीज में यूज ना करें। इसे रूम टेम्परेचर वाले सादे पानी में मिलाकर लिया जाए तो ये ज्यादा फायदा करता है। अगला ग्रुप है लिक्विड्स। आपको सूप, काढ़ा, हर्बल टीज, स्पाइसेस का बना कॉन्कॉक्शन जैसे कि दालचीनी का पानी, लौंग का पानी लेते रहना चाहिए। ये लंग्स को हेल्दी रखता है और वेट लॉस करने में भी काफी हेल्प करता है। स्पाइसेस की बात करें तो इसमें आपको हल्दी, काली मिर्च, जिंजर यानी अदरक, सौंठ, लौंग और दालचीनी का इस्तेमाल करना चाहिए। ये कफा इम्बैलेंस को ठीक करने में काफी हेल्प करती है। आई होप आपने इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर ही लिया होगा ताकि इस लिस्ट को जब आप चाहें तब इजीली एक्सेस कर पाएं। सो ऑल सेड एंड डन, चलिए अब देखते हैं कफ दोषा बैलेंस डाइट प्लान। डाइट प्लान टू बैलेंस कफ दोषा। आयुर्वेद में लिखा है कि कफ प्रकृति के लोगों को उपवास यानी कि फास्टिंग करनी चाहिए ताकि कफ बैलेंस बना रहे। इसीलिए आप इंटरमिटेंट फास्टिंग टेक्निक का इस्तेमाल करिए। ये साइंस और आयुर्वेद का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है और आपकी समस्या का सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। ओमैड यानी कि वन मील अ डे डाइट पैटर्न सबसे ज्यादा हेल्पफुल माना जाता है, पर क्योंकि ये पैटर्न सब लोग आसानी से फॉलो नहीं कर पाते इसीलिए हमने आपको एक 16x8 आवर्स का पैटर्न यहाँ पे मेंशन किया है। अगर ओमैड डाइट प्लान आप फॉलो करना चाहते हैं और आपको लगता है आप कर सकते हैं तो हमारा ये वीडियो ऑन ओमैड डाइट प्लान जरूर देखिए। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मेंशन कर दिया है। चलिए अपने बढ़ते हैं 16x8 फास्टिंग पैटर्न की ओर और देखते हैं ये सैंपल डाइट प्लान टू बैलेंस योर कफ दोषा। अर्ली मॉर्निंग में यानी कि सुबह सुबह जब आप उठते हैं तब आपको लेना है एक ग्लास हल्का गर्म पानी। आप प्लेन पानी ले सकते हैं या फिर इसमें आधा चम्मच अदरक का रस डाल के ले सकते हैं, या फिर इस पानी को आप दालचीनी या फिर लौंग डालकर उबाल कर फिर ठंडा कर पी सकते हैं। अराउंड 11:30 जब आप अपना इंटरमिटेंट फास्टिंग का फास्ट तोड़े उस समय आप लीजिए 2 टीस्पून भिगाए हुए मेथी के दाने। साथ में अगर आप ये ग्रीन स्मूदी ले पाए तो ये बेहद हेल्पफुल है। आपको इसमें मिक्स करना है लौकी, कुछ पालक के या मेथी के पत्ते, एक हरा टमाटर, थोड़ी सी अदरक, काली मिर्च और स्वाद अनुसार थोड़ा सा शहद आप मिला सकते हैं। इसके साथ आप लीजिए 6 भिगोए हुए बादाम। अराउंड 12 बजे अपनी मील 1 में आप लीजिए ऑप्शन 1 मेथी की रोटी इन 2 नंबर्स। साथ में आप ले सकते हैं लोबिया या लाल चना या फिर छोला और इसके साथ आप 1 कटोरी दही या कढ़ी या दाल भी ले सकते हैं। या फिर अगला ऑप्शन है आप जौ के आटे की बनी 2 प्लेन रोटी या फुल्का ले लीजिए। साथ में आपको लेना है कोई भी हरे पत्तेदार सब्जी। सबसे ज्यादा फायदेमंद सब्जी है मेथी की या बथुआ या गिलोय के पत्तों की सब्जी या फिर करेले की सब्जी। इसके साथ में आप हरे मूंग का या फिर चना या सूखे मटर की सब्जी या स्प्राउट्स भी ले सकते हैं। अराउंड 2 PM आप लीजिए 1 कप ग्रीन टी या फिर कोई भी हर्बल टी या स्पाइस का डिकॉक्शन। इसमें आप लौंग, दालचीनी, जीरा एक्सेट्रा यूज कर सकते हैं। अगर आपको ब्लोटिंग या सूजन की तकलीफ है तो आप इस समय पे बार्ली का पानी भी ले सकते हैं। अगली मील आपकी होगी शाम को 6:30 बजे की। इसमें आपको लेना है वेजिटेबल सूप। साथ में आप लीजिए 1 से 2 बोल वेजिटेबल दलिया या फिर वेजिटेबल कढ़ी या फिर वेजिटेबल पुलाव। साथ में आप कोई भी हरी सब्जी या लाल या पीली सब्जी यूज कर सकते हैं और इसके साथ आपको लेना है 1 कप दाल या कढ़ी या सांबर। डिनर के बाद आप बेड टाइम पर लीजिए 1 ग्लास वार्म वाटर।
इसमें आप थोड़ी सी हल्दी भी मिला सकते हैं। अगर आप चार्ट में दिए गए टाइम फॉलो नहीं कर सकते तो आप अपने हिसाब से 8 आवर्स की ईटिंग विंडो चूज कर लीजिए। अगर आपको कोई भी शंका है या क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके आप मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगी आपका टाइम टेबल या पैटर्न सेट करने में। अगर आप किसी भी कारण से इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं फॉलो कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप रेगुलर टाइमिंग पर हमारी बताए हुए मेन्यू को यूज कर सकते हैं। कफ दोषा को बैलेंस करने के लिए हर दिन 45 मिनट्स से लेकर 60 मिनट्स तक का वर्कआउट करना बेहद जरूरी है। वर्कआउट में आप वॉकिंग भी कर सकते हैं, जॉगिंग भी कर सकते हैं, जुम्बा भी कर सकते हैं, बेसिकली कोई भी तरह का वर्कआउट कर सकते हैं। पर इन कुछ योगा आसनों को करने से आपका कफ दोषा जल्दी ठीक होता है। Here are some yoga poses for balancing your कफ दोषा। आप करिए कपालभाति, सूर्य नमस्कार, वॉरियर पोजेस यानी वीरभद्रासना 1 एंड वीरभद्रासना 2, हाफ मून पोज यानी अर्धचंद्रासना, ट्रायंगल पोज यानी त्रिकोणासना, हेड स्टैंड यानी शीर्षासना, शोल्डर स्टैंड यानी सर्वांगासना, उत्तानासना यानी फॉरवर्ड बेंड एंड पार्श्वोत्तानासना यानी कि पिरामिड पोज। इन आसनों से आपका डाइजेशन भी फास्ट होता है, आपके शरीर में फुर्ती आती है, मेंटली भी पीसफुल फील करेंगे। वेट लॉस में तो ये आसन हेल्प करते ही हैं, इसीलिए ऑल इन ऑल ये आसन बेहद हेल्पफुल हैं। अगर आप पित्त या वात प्रकृति इम्बैलेंस की डाइट ढूंढ रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम उन पर भी इसी तरह डिटेल्ड वीडियोस बनाएं तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यहाँ दी गई जानकारी को अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं या प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.dietburb.com पे जरूर विजिट करिए। इस आर्टिकल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया है। हमारी वेबसाइट www.dietburb.com पे हमने सारी बीमारियों की 1 डे या 7 डेज के सैंपल डाइट प्लान्स डाल रखे हैं। अगर आप कोई भी बीमारी का डाइट प्लान ढूंढना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पे जरूर विजिट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह साइंटिफिकली करेक्ट और प्रैक्टिकली पॉसिबल इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुँचा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो। हैप्पी ईटिंग।